सबसे पहले तो फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से, थोड़ा कुछ बताइए फिल्म के बारे में। फिल्म का नाम है कजराली नखराली, एक राजस्थानी मूवी है, एक पारिवारिक मूवी है ये, और इसको हमने राजस्थान के अंदर शूट किया है, अलवर में शूट किया है, भिवाड़ी में शूट किया है, कुछ लोकेशन जयपुर की है इसके अंदर, और ये परिवार के ऊपर मूवी है। जब आपके पास फिल्म आई तो आपका क्या रिएक्शन था? मेरे जो डायरेक्टर है मिस्टर लखविंदर सिंह और इसमें जो हीरोइन है एक्ट्रेस है नेहा श्री, दोनों से मैं मिला तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट मेरे को बताया तो मुझे अच्छा लगा, लगा कि एक पारिवारिक मूवी अगर हम बनाते हैं तो आज के टाइम में जैसा कि एक परिवार आपस में मतलब बहुत कम होता है कि पूरा परिवार साथ रहे, तो उस चीज़ों को लेके इन्होंने मेरे को जो स्टोरी सुनाई लखविंदर जी ने मुझे अच्छा लगा, और मैंने बोला कि ठीक है इस पर हम काम करते हैं, और साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा मिला मुझे, मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि मेरी ये पहली मूवी है। फिल्म कहाँ कहाँ पर शूट हुई है और बजट के बजट की बात करें तो कितना बजट होगा? फिल्म अलवर में शूट हुई है, भिवाड़ी में शूट हुई है, और कुछ इसका जयपुर का भी कुछ रहा है, थोड़ा सा लोकेशन जयपुर की भी ली है, बेसिकली ज़्यादा शूट हुआ है अलवर और भिवाड़ी में, और बजट तो अप्रोक्स 65 के आसपास का। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो एज ए डायरेक्टर क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में और किस तरह की फिल्म होगी? ये एक पारिवारिक फिल्म है और इस फिल्म के अंदर एक एक्सपेरिमेंट ये किया है कि हमने डबल रोल, हालांकि सालों से चला आ रहा है लेकिन राजस्थान में ये पहली फिल्म होगी जिसमें डबल रोल है और एक पारिवारिक फिल्म है, हल्दी मूवी है। स्टार कास्ट कैसे फाइनलाइज की गई, क्योंकि डबल रोल निभाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो आपकी तरफ से स्टार कास्ट कैसे फाइनलाइज हुई? फीमेल वॉरंटेड सब्जेक्ट था क्योंकि नेहा के ऑडियंस से वहाँ पे लोग जानते हैं और तो इसलिए एक पॉपुलर चेहरा होना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए डबल रोल के लिए नेहा को सिलेक्ट किया, और जो सपोर्टिंग कास्टिंग थी इसकी उसके लिए भी बहुत ही पावरफुल आर्टिस्टों की ज़रूरत थी, तो उन्हें भी चुन चुन के काफ़ी मेहनत से उनको सिलेक्ट किया। म्यूज़िक की बात करें तो किस तरह का म्यूज़िक होगा फिल्म में? एकदम हेल्दी म्यूज़िक है, कोई भी फूहड़पन्ना नहीं है, और पारिवारिक, आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो और कानों को अच्छा लगेगा। मतलब कैसे टिपिकल राजस्थानी सॉन्ग्स होंगे फिल्म में या फिर कोई आइटम नंबर का जमाना चल पड़ा है तो कोई आइटम नंबर देखने मिलेगा? नहीं नहीं, आइटम नंबर नहीं है, और क्या है कि राजस्थानी फिल्म का जो म्यूज़िक होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है, तो हमने भी थोड़ा सा कुछ नया करने की कोशिश की है, म्यूज़िक के अंदर कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कुछ आज के हिसाब से इसको चेंज करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले तो आपने किरदार के बारे में बताइए और खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मेरा नाम साजिदा खान है और मैं पहली बार ये राजस्थानी मूवी कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने हिंदी मूवीज़ की हैं, सीरियल्स किए हैं, जी टीवी कलर्स वगैरह पर सीरियल आते हैं, बट राजस्थान का मेरा ये पहला मौका था और सच मानिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया एक अच्छी और मजबूत टीम के साथ जुड़कर। इसमें मेरा सावित्री का कैरेक्टर है जो कि हीरोइन की माँ यानी नेहा की मदर का कैरेक्टर किया है, जिसको करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे यहाँ पे, और लगा कि यहाँ भी एक अच्छी मजबूत इंडस्ट्री है राजस्थान में, तो उम्मीद करती हूँ कि ये पिक्चर हिट सुपर हिट रहे। जी पहली बार राजस्थानी फिल्म कर रही है, नेहा के साथ काम कर रहे, तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नेहा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी अदाकारा है और बहुत खूबसूरत भी हैं, और बाकी ऑडियंस बताएगी, और बहुत अच्छी लगी है, बहुत गाने बहुत अच्छे हैं इसके, पिक्चराइज बहुत अच्छा किया है और एक बॉलीवुड टाइप मूवी लगी है मुझे, जहाँ तक मेरा मैंने देखा अभी तक तो एक बॉलीवुड का टच इसमें आया है और सभी ने अपना अपना रोल बहुत अच्छी तरह से निभाया है इस मूवी में। सर सबसे पहले तो अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का किरदार होगा? मेरा इसके अंदर एक कॉमेडी करेक्टर है जो मिथुन दा से इंस्पायर है, और मुझे ये करेक्टर निभा करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं खुद भी मिथुन दा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और लखविंदर सर ने जो मेरे डायरेक्टर फिल्म के उन्होंने मुझ पर भरोसा करके इस करेक्टर को निभाने के लिए मुझे दिया और मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी। ये करेक्टर इस टाइप का है कि हीरो का जो दोस्त है, जो हीरो अपनी गर्लफ्रेंड को जैसा समझता है वैसी पाता नहीं है, जो उसको कन्फ्यूज़ है ये करेक्टर इसका, उसको समझाने की कोशिश करता है कि तू जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की वैसी है नहीं जैसी तू समझता है,
और इस चक्कर के अंदर मुझे मार भी खानी पड़ती है। जब पहली बार आपको ये रोल ऑफर किया गया तो क्या रिएक्शन था, क्योंकि हंसाना सबको काफी मुश्किल होता है, खास करके क्योंकि इमोशनल सीन और रोमांटिक सीन करना काफी आसान होता है लेकिन लोगों को हंसाना काफी मुश्किल बात होती है, तो क्या रिएक्शन था जब आपको ऑफर किया गया? जी दरअसल क्या है, मैं मानता हूँ कॉमेडी का बहुत डिफ़िकल्ट होता है काम करना, किसी को हंसाना बहुत मुश्किल का काम है, पर मेरे डायरेक्टर को मुझ पर भरोसा था कि मैं इस करेक्टर को अच्छे से निभा पाऊँगा और मैंने पूरी कोशिश करी इसको अच्छे से निभाने की, बाकी रिजल्ट आप सबके सामने होगा। बस मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में काम करके और इस करेक्टर को लेकर। जी किस तरह का एक्सपीरियंस था सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर्स के साथ काम करने? नहीं एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं लखविंदर सर के साथ में काम कर चुका हूँ 4 प्रोजेक्ट और इसका कुछ डिफरेंट ही मुझे लगा, बड़ा बहुत मजा आया मुझे काम करके। थैंक यू सो मच सर। नेहा जी सबसे पहले तो अपने किरदार के बारे में बताइए और आपका डबल रोल है तो कितना मुश्किल था ये निभाना? बहुत मुश्किल था, फर्स्ट टाइम मैंने किया है। मेरे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने मुझे डबल रोल के लिए चुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि राजस्थान में मुझे करेक्टर के लिए चुना, और काफ़ी मुश्किल होता है बार बार चेंज करना और अपने आप से ही बातें करना। काफ़ी सारे इसमें मेरे ऐसे सीन हैं जो मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूँ तो बहुत अजीब लगता था एक बार सिंपल लड़की बन के और एक बार कॉमिक करके। बाकी सब फिल्मों में देखेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या रिएक्शन था जब आपको ऑफर किया गया ये रोल, क्योंकि डबल रोल था तो? मैं शॉक थी, आई एम शॉक रियली। मेरे को मैंने पूछा था सर आई श्योर कि मैं कर पाऊंगी, तो सर ने कहा नहीं डेफिनेटली नेहा आप कर सकते हो, तो फिर किया। जी सबसे पहले आपने राजस्थानी फिल्मों में काम किया, फिर भोजपुरी फिल्मों में और फिर राजस्थानी फिल्मों में, क्या क्या रीजन था फिर से राजस्थानी इंडस्ट्री में आने? दोनों ही इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया है। भोजपुरी अभी मेरी बरसात रिलीज हुई है राकेश मिश्रा जी के साथ, और अभी साजन चले ससुराल पार्ट 2 में मैं काम कर रही हूँ जैन से, और राजस्थानी तो मेरी भवरी से हिट है तो आप सबको मालूम ही है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, दोनों इंडस्ट्री ने मुझे एक्सेप्ट किया है। मेरी मराठी भी अभी एक फिल्म आ रही है अमी तुझा प्रेमी, और बहुत जल्द सामने आएगी। और इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ऑफर की गई आपको ये फिल्म और किस तरह से मिली, आप किस तरह से जुड़े इस फिल्म के साथ? मैं लखविंदर जी के साथ ऑलरेडी 5 फिल्में पहले कर चुकी हूँ, भवरी, हुकुम, थोर, तांडव, और ये कजराई नखारी की जब स्क्रिप्टिंग चल रही थी तो बात चल रही थी कि किसको ले, तो सर ने सामने से फ़ोन किया कि नेहा जी हमें लगता है कि आपको ये कैरेक्टर करना चाहिए, तो मुझे लगा ठीक है करना। मैं भी कुछ नया करना चाहती थी, बेसिकली मेरी फिल्में हमेशा से फीमेल वांटेड रही है जी। तो मुझे लगा कि ठीक है ये कुछ नया है करने के लिए, और वाकई में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने भिवाड़ी में शूट किया, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस थी वहाँ की, और प्रोड्यूसर हमारे वहीं के रहने वाले हैं, बहुत अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया। फर्स्ट टाइम उन्होंने फिल्म की है लेकिन एहसास नहीं हुआ कि पहली बार इतना अच्छा उन्होंने प्रोड्यूस किया है फिल्म को। जी आपने तीनों इंडस्ट्री में काम कर लिया, राजस्थानी, भोजपुरी, मराठी, और बॉलीवुड में कब दिखाई देने वाली है? मेरी अभी 26 जनवरी को एक फिल्म आ रही है, हम हैं वंडर बॉयज, और अनिल मेहता जी उसके डायरेक्टर हैं। जैन में मेरे ख्याल से एंट्री हो जाएगी। स्टार्टिंग मेरी हिंदी से ही थी, मिस्टर मजनू से, लेकिन धीरे धीरे मैं क्या है, आर्टिस्ट है, रुकना नहीं चाहिए, बस काम करते रहना चाहिए, तो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।